जो NIOS के स्टूडेंट्स हैं जिनको वोकेशनल कोर्स में एडमिशन लेना है, वो एडमिशन कैसे ले सकते हैं और एडमिशन लेने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और एडमिशन के लिए आप कब अप्लाई कर सकते हो, एडमिशन की फ़ीस क्या होगी, इन सब बातों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन में हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मार्कशीट चाहिए होगा, जैसे क्लास फिफ्थ, क्लास एट, क्लास टेंथ, क्लास ट्वेल्थ और सेल्फ सर्टिफिकेट इन केस इलिटरेट। ठीक है, तो आप याद रखना कि जो वोकेशनल कोर्स के ज़्यादातर कोर्सेज है वो 10वीं और 12वीं बेस पे है। ठीक है, तो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको मार्कशीट चाहिए होगा क्लास फिफ्थ से लेके ट्वेल्थ के बीच तक का। ठीक है, और एज ग्रुप में आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है तो दे देना और आधार कार्ड भी दे सकते हो। ठीक है, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, इन सबको दे सकते हो एज ग्रुप में। और प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस, एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड दे सकते हो, बिजली बिल दे सकते हो अगर आपका अपना खुद का घर है तो, और वाटर बिल भी दे सकते हो, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हो, राशन कार्ड दे सकते हो और बैंक की पासवर्ड दे सकते हो। ठीक है, और अगर आप रेंट पे रहते हो तो रेंट एग्रीमेंट दे सकते हो। और फिर आपको यहाँ पे अदर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट में देखना है। अदर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट में आपको कलरफुल पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए होगा एक। ठीक है, ये सब आपको लिख लेना है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो कलरफुल पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए होगा, सिग्नेचर चाहिए होगा और एज प्रूफ चाहिए होगा और आइडेंटिटी प्रूफ होगा। और अगर आप SC ST OBC किसी से बिलोंग करते हो तो उस केस में आपको उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और अगर आप BPL सर्टिफिकेट धारक हो और आपके पास BPL सर्टिफिकेट है तो वो भी आप यहाँ पर अटैच कर सकते हो। और अगर एक्स सर्विसमैन हो तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट है, वो भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, यानी कि आप डिसेबिलिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पे ये अपलोड कर सकते हो। ठीक है, आप याद रखना कि जितने ही मैंने अभी डॉक्यूमेंट बताए हैं इन सबको आपको जब आप एडमिशन लोगे उस समय आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं। आपको चाहिए होगा मार्कशीट चाहिए होगा 5वीं क्लास से 12वीं क्लास तक के लिए, आधार कार्ड है तो आप एज प्रूफ में भी उसे दे सकते हो। ठीक है, एड्रेस प्रूफ में भी दे सकते हो और आपको आइडेंटिटी प्रूफ में भी दे सकते हो। ठीक है, फोटो आपको चाहिए होगा, कलरफुल पासपोर्ट साइज, सिग्नेचर चाहिए होगा और SC ST OBC से बिलोंग करते उनका सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ठीक है, ये सब मस्ट है, ये सब आपको एडमिशन के टाइम अपलोड करना पड़ेगा, तो इसे नोट कर लेना। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आप ये वोकेशनल कोर्स के लिए कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अगर आप 25 मार्च तक अप्लाई कर देते हो, 2022 का बता रहा हूँ मैं, 25 मार्च तक अगर आप अप्लाई कर देते हो तो आपको लेट फीस नहीं देना होगा। जो कोर्स का फीस होता है सिर्फ वही पे करना है। अगर आप डिले करोगे, यानी कि 26 मार्च से 31 मार्च के बीच में भरते हो तो पर सब्जेक्ट आपको ₹100 चार्ज किया जाएगा लेट फीस। और आपको यहाँ पे इससे भी ज़्यादा डिले करोगे तो 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक का डेट है, ये ₹1500 पर लर्नर कंसोलिडेट फीस के साथ है। ठीक है, तो और यहाँ पे आप एग्जामिनेशन फीस देखोगे तो ₹250 पर सब्जेक्ट है थ्योरी का, और अगर आपका कोई प्रैक्टिकल रहेगा तो उसमें आपको ₹120 पर सब्जेक्ट देना है। और जब आप एडमिशन लोगे तो उस समय आपको एडिशनल चार्ज ₹50 देना पड़ेगा, ये ऑनलाइन चार्ज होता है। ठीक है, अब हम कोर्स की फीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो NIOS वोकेशनल कोर्स में कोर्सेज से ऑफर करती है उन सबकी अलग अलग रेट होता है। ठीक है, अलग अलग फीस है। अगर आप 6 महीने के करोगे तो उसकी अलग फीस लगेगी, और अगर आप 1 साल की करोगे तो इसकी अलग फीस लगेगी, और 2 साल की करोगे तो इसकी अलग फीस लगेगी। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैं आपको ये दिखाता हूँ। जैसे कि आप देखोगे कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्सेस में 6 महीने का कोर्स है सर्टिफिकेट वाला, इसमें आप बेसिक कंप्यूटिंग का करते हो तो ₹3000 है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग का करते हो तो ₹6000 है, वेब डिजाइनिंग का करते हो तो डेवलपमेंट का ₹7000 है। तो आप ये देख पा रहे होंगे
ठीक इसी तरीके से 1 ईयर में देखोगे तो ये आपको दिखेगा कंप्यूटर का सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, 6,000 रुपये है 1 साल का। और ये जो मैंने आपको बताया ये कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्सेज में आता है। ठीक, तो आप मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। आप इन सबका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे हेल्थ एंड पैरामेडिकल कोर्सेज में 6 महीने के कोर्सेज में देखोगे आप तो आपको योगा 1,000 रुपये में करवा रहे हैं, 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स है। 1 ईयर में आपको वैसे ही बढ़ता जा जाएगा और 2 ईयर डिप्लोमा कोर्सेज में वैसे ही आपको बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे तो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कोर्सेज में भी 6 महीने का कोर्स अवेलेबल है, 1 साल का कोर्स अवेलेबल है। और यहाँ पे देखोगे आप एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री कोर्सेज में भी 6 महीने का कोर्सेज अवेलेबल है, 1 ईयर का कोर्स अवेलेबल है, 2 ईयर का कोर्स अवेलेबल है। ऑनलाइन कोर्स अंडर विजुअल ओपन स्कूल स्कूलिंग, इसमें भी आप देखोगे तो 1 ईयर का है बिजनेस एंड कॉमर्स का कोर्सेज में। और इन सब का आपको फीस दिखेगा। मैं ऐसा करूँगा कि इसका जो लिंक है ना आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, तो यही अपडेट आप सबको देना था। और जिनको एडमिशन लेना है वोकेशनल कोर्स में वो ले सकते हैं। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, फुल प्रोसेस आपको फिलअप करके दिखाऊंगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और ये वीडियो कैसी लगी है आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और इसमें अगर आपको कुछ छूट गया है या मेरे से कुछ रह गया है बताना तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं वहाँ पर आपको बता दूँगा। और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेने ऐसे ही अपडेट के लिए।